तू क्यों रो रही है? तू क्यों रो रही है? वो तेरे बाबा नहीं है। तेरे बाबा तो बरसों पहले मेरी गोद फूल कर भाग गया, इस मनहूस को यहाँ छोड़ गया, और उस मनहूस ने मेरा सुहाग छीन लिया। तेरे बाबा तुझे रानी से ज्यादा प्यार करते थे, बदले में तुमने क्या दिया? क्या दिया मैंने? आज एक बात समझ गई, अपने अपने ही होते हैं और पराए पराए। तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य बन गया। लोग सच कहते हैं, कोई किसी का नसीब ले नहीं सकता, लेकिन तेरी मनहूस छाया इस घर पर पड़ गई। चली क्यों नहीं जाती यहां से? चली जाइए। अब जो कुछ भी बचा है मैं उसे खुला नहीं चाहती। अरे बेटा, तू तो मेरी ताकत है, यू आर माई स्ट्रेंथ। एक बार कह के तू देखती, गोली मार देता मैं उस टीके को। बाबा, बाबा आपको आज तक मैंने कभी खत नहीं लिखा, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं जो सोचती थी आप पहले से ही जानते थे। मन से मन का हमारा रिश्ता कोई रिश्ता ना होकर भी दुनिया का सबसे अनूठा रिश्ता है बाबा। कोई इसे नहीं समझेगा। आपका प्यार, आपका विश्वास, आपकी भावना और आपके उसूल, मेरा संबंध इन सब से है, अटूट है। ये परिवार मेरा सब कुछ है। इस परिवार में आपने हमेशा मेरा मान रखा, मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी आपने। मुझे फैसला करना है। आपकी कोशिशों को मैं अधूरा नहीं छोड़ सकती। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। अब एक ही रास्ता है, एक ही दिशा है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके इस परिवार पर अब कोई आंच नहीं आएगी। मैं आपकी बेटी हूँ, अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। आपने जो वादा किया था घर लौटने का, आप उसे पूरा नहीं कर पाए। आपको वक्त ही नहीं मिला, लेकिन आपका अधूरा काम पूरा करने के लिए मेरे सामने मेरी पूरी जिंदगी है, जो आप सबके नाम कर दी मैंने। आप ही ने तो अपना नाम दिया है मुझे। बाबा, मैं थी, मैं हूं, मैं रहूंगी आपकी दिशा। मैं अपना वादा तोड़ रही हूं बाबा। मैं इस घर से जा रही हूं। मुझे माफ कर दीजिए। बाबा, मेरे जीवन का एक एक पल आपका ऋणी रहेगा, इस परिवार का कर्जदार रहेगा। आपने मेरे साथ जो भी किया है उसे मैं कभी चुका नहीं सकती। लेकिन हाँ, जो आदमी हमें आपसे दूर करने का जिम्मेदार है, जो इस घर को बिखेरने का जिम्मेदार है, मैं उसके वजूद को ही खत्म कर दूंगी। जो अपनी चालों से एक एक चाल चलकर हमारे घर आया, हमारी हर खुशी रौंद गया, उसका रौंद, उसका खौफ, उसकी इच्छा सब मिटा दूंगी बाबा। मुझे शक्ति दो बाबा। वादा करती हूं आपके नाम को कभी दाग नहीं लगने दूंगी।
मुझसे शादी करोगे? बाबा, सब तैयारी हो गई। दिशा, दिशा कहाँ बेटा? पता नहीं, पूछता हूँ। अंदर, दिशा को देखा नहीं? नहीं यार, मैंने भी सुबह से नहीं देखा। मैं देख क्या? इंदर, इंदर, मुझे मालूम है दिशा कहाँ होगी? वो जरूर मंदिर गई होगी। वो जब भी दुखी होती वो मंदिर ही जाती, पर आज तो इंदर, दिशा को अकेले रहने दो। विजेंद्र को घर से बाहर ले जाते हैं, देख न सकेंगे। राम नाम सत्य, 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 सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। मुझसे शादी करोगे? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? शादी? इतनी रात गए तुम मुझे प्रपोज करने आई? वहां तुम्हारे बाबा की अर्थी पड़ी है और तुम यहां? लगता है तुम्हारे बाबा का सदमा तुम पर कुछ ज्यादा ही पड़ गया। लिसन, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी अबाउट योर फादर। इस वक्त तुमसे कह नहीं पाया। डीके, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपसे यूं ही मिलने नहीं आई हूं। बताइए, मुझसे शादी करेंगे? आज मैं इसे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करता हूं। मेरे शरीर के अंग की तरह मैं अपनी पत्नी का ख्याल रखूंगा। मेरे पास हजारों लड़कियां हैं, लेकिन शादी तुमसे क्यों करूं? तुम ये मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहते हो? मेरी इच्छा है
तुम्हारी इच्छा का वक्त कुछ गलत नहीं है? आपने वक्त चुनने का मौका ही कब दिया? फिर भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम मुझसे क्यों शादी करोगी? मैं पूर्ण रूप से अर्धांगिनी बनकर अपने जीवन को अपने पति के साथ जोड़कर नए जीवन का सृजन करूंगी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने तुम्हें मॉडलिंग का ऑफर दिया था, मैरिज प्रपोजल नहीं। तुम मुझे कुछ गलत समझ रही हो। तुम बस मेरा काम कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद तुम अपनी जिंदगी जी सकती हो। मुझे आपका मॉडलिंग का ऑफर मंजूर है। गुड, वेरी गुड। तो पेपर्स भी साइन कर लो। मेरा ही दुरुस्त है। कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स तो मैं साइन कर दूंगी, लेकिन आपको एक समझौता करना होगा। समझौता? कैसा समझौता? मैं पवित्र धर्म का पालन करूंगी, छल कपट नहीं करूंगी, पति की आज्ञा का पालन करूंगी। क्योंकि दुष्यंत कुमार सहगल, आपने भोसले परिवार से उनका घर तो छीन लिया, लेकिन अपनी बाजी हार गए। हमारे घर पर आपका कब्जा है, लेकिन मॉडल आपको नहीं मिली। तो क्या मिला? वो चार दीवारी, विजेंद्र भोसले की अर्थी। आप आज भी दिशा की हां का इंतजार कर रहे हैं, मेरे साइन की राह देख रहे हैं। मैं इसीलिए आई हूं आपके पास। जब तक मेरे नाम के साथ भोसले परिवार का नाम जुड़ा है, मैं बिना कपड़ों के मॉडलिंग नहीं कर सकती। इसलिए आप वो नाम मिटाकर मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़ दीजिए। मैं अपनी पत्नी का सबसे अच्छा दोस्त बनकर रहूंगा और हमारे रिश्ते का आधार प्रेम, निष्ठा और सत्य रहेगा। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है दिशा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज तुम मेरे घर पर किसी प्लानिंग से आई हो। क्या प्लानिंग? यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आज इन आंखों में वो मजबूरी नहीं है जो मैंने उस रात देखी थी जब तुम अपने बाबा से छिपकर आई थी। ना वो डर, ना पश्चाता। आज तुम सौदा करने आई हो। समझौता नहीं, सौदा। लेकिन मैं भी एक बिजनेसमैन हूं, आंख बंद करके मैं भी सौदा नहीं करता। अगर मैं ना कर दूं तो? ना कहेंगे तो पछताएंगे। मेरा पति मेरे लिए भगवान के समान होगा। हम दोनों के बीच कोई मतभेद नहीं होंगे और हम हमेशा साथ रहेंगे। हम लोग तो बेघर हैं, बेघर ही रह लेंगे, लेकिन आपका काम अब तक अधूरा पड़ा है। यानी कि हम हार कर भी जीत गए और आप जीत कर भी हार गए। तो फिर तुम जीत कर भी मेरे पास क्या करने आई? अपनी माँ को छोड़कर, अपनी बहन को छोड़कर, आजोबा को छोड़कर, इंदर को छोड़कर? क्योंकि इनमें से कोई भी मेरा अपना नहीं रहा। चुप क्यों गई? तुमने जवाब नहीं दिया। मुझे एक फैसला करना है। मुझे अपने परिवार वालों की खुशियां चाहिए। आप उनका घर उन्हें लौटा दीजिए, आपको दिशा मिल जाएगी, द न्यूड मॉडल। और सिर्फ मॉडल ही नहीं, आपकी पत्नी और संपत्ति, योर प्रॉपर्टी। मेरे ग्रस्त जीवन में मेरी पत्नी का सर्वोच्च स्थान होगा और मेरी सारी संपत्ति पर उसका हक होगा। लेकिन मेरी संपत्ति पर, मेरी जायदाद पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। मुझे आपकी जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं है। कहना आसान है। अगर मुझे दौलत और जायदाद में दिलचस्पी होती तो घर इतनी आसानी से नहीं छूटता। मुझे सिर्फ अपने परिवार वालों की खुशियां चाहिए। मैं उन्हें वो देना चाहती हूँ जो बाबा देना चाहते थे। तो ठीक है, अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो मुझे समझौते से कोई एतराज नहीं। लेकिन शादी से पहले तुम्हें एग्रीमेंट पे साइन करना होगा कि मेरी जायदाद पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। मंजूर है। मैं शांति से मतभेद सुधारूंगा और पत्नी के सुख, शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। मैं तुम्हें अपना नाम तो दूंगा, लेकिन पत्नी का कोई भी अधिकार तुम्हें नहीं मिलेगा। मंजूर है। और ये शादी सिर्फ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगी। मंजूर है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत तुम मेरे लिए मॉडलिंग करोगी। मंजूर है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप मेरे परिवार वालों का मकान लौटा देंगे।
और बाबा ने जितने भी पैसे उधार लिए थे वो भी लौटा देंगे। 2 महीने में लिया हुआ सारा कर्जा चुका देंगे। मंजूर है, और ये शादी सिर्फ 6 महीने की रहेगी। और 6 महीने के बाद काम खत्म होने पर तलाक, 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 तलाक। सिंदूर दान कीजिए। चलते चलते मेरे जीवन में ये मोड़ कैसा आया। चलते चलते मेरे जीवन में ये मोड़ कैसा। मांग भरते तुम्हारी आज। ना तो मंजिल ना है कारवां, ना तो प्यार का है। मैं इस पवित्र अग्नि के सामने वचन लेती हूँ कि जैसे मैंने तुम्हारी वजह से सब खो दिया, वैसे मैं भी तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी। तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। विवाह संपन्न हुआ। आज से तुम दोनों एक दूसरे के पति और पत्नी हुए। बेटी यहाँ आई। ये आस का चावल है। विदाई के समय लड़कियां इसे बिखेरती हुई जाती है। अब आप कहिए, पिता के परिवार के पर जितनी जिम्मेदारियां थी मैं अच्छी तरीके से निभाई। अब इसके बाद न मेरी कोई जिम्मेदारी रह जाएगी, न मेरा कुछ हक रहेगा। मैं नए घर में अच्छी तरीके से नई जिम्मेदारियां निभाऊंगी। मैं ही आज के चावल पूरे नहीं बिखेरूंगी। पिता के घर के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारी मैंने पूरी नहीं की है। जिस दिन पूरी हो जाएगी उस दिन ये रस्म भी अदा कर दूंगी।